जल संचय और संरक्षण में वनों की भूमिका अहम होती है। इस बात को साकार किया है बागेश्वर जिले के वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा ने। उन्होंने अब तक एक लघु वाटिका, दो शांति वन की स्थापना करने के साथ ही जटायु स्रोत के आसपास वर्षों से पौधारोपण कर पानी के स्रोत को न केवल पुनर्जीवित किया बल्कि मलड़ा गांव में लगभग मृतप्राय हो चुके पानी के नौले को भी दोबारा जीवित कर दिया। दरअसल 30 सालों से प्रकृति की सेवा करते आ रहे किशन मलड़ा अभी तक बागेश्वर समेत अन्य जिलों में 7 लाख से ज्यादा पौधों को जीवन दे चुके हैं। उन्होंने अपनी जमीन में ही देवकी वाटिका और शहीद शांतिवन भी विकसित किया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भी पर्यटक आते रहते हैं। उनके पौधारोपण से अभी तक कई जल स्रोत पुनर्जीवित हो चुके हैं। पंत कैरावली में जटायु स्रोत के आसपास वर्षों से पौधारोपण करने पर उनकी मेहनत रंग लाई और पानी बढ़ने से अब तक वहां 13 पेयजल योजनाएं बन चुकी हैं, जो घिरौली, जोशी गांव, भागीरथी मंडल, सेरा समेत लगभग आधे बागेश्वर की प्यास बुझा रही है। उनका कहना है कि मणिपुरी बांझ पानी के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। जैसे महामारी संसार में फैली है तो लगता है कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया, फिर भी प्रकृति एक माँ की तरह इस प्रकार से समस्त प्राणी मात्र को बचाए हुए है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना प्रकृति के संरक्षण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रही बात हमारे वृक्षारोपण की, तो मैं 86 से लगातार पौधरोपण कर रहा हूँ और 90 से देवकी लघु वाटिका मंडल से स्थापित है। तो सर अभी तक मैं 7 लाख पौधे कंप्लीट कर चुका हूँ, 75,000 पौधे अभी हमारी नर्सरी में है। इस सीजन में ही हमने परसों से ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस बार लोगों में ऐसा रुझान है कि वह बरगद और पीपल पाखड़ की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, कि एक दिमाग में आदमी के ये सोचा है कि जिस लिहाज से आज ऑक्सीजन और हवा पानी की महामारी हो रही, तो लोगों के मन में काफ़ी अच्छा विचार आ रहा है। और जिस हिसाब से कोरोना जैसी महामारी फैली है, तो इससे वास्तव में जनजीवन को, मानव को सबसे ज़्यादा होशियार है, तो उसे जागरूक हो जाना चाहिए कि आगे के कैसे कदम है। हम जो भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, गौरतलब है कि धरती का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन इसमें से ज्यादातर हिस्सा इतना खारा है कि उसे काम में नहीं लाया जा सकता है। मात्र 2.5% ही पीने का पानी है और उसका भी 2/3 हिस्सा बर्फ के रूप में पहाड़ों और झीलों में जमा है। ऐसे में वृक्ष पुरुष किशन मलड़ा का प्रकृति के प्रति समर्पण हर किसी को संदेश देता ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।